ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य ग्रहण 2022। दीपावली के पश्चात आज है सूर्य ग्रहण। दशकों बाद बना ग्रहण का दुर्लभ योग। जानिए सूर्य ग्रहण के बारे में सब कुछ जानकारी विस्तार पूर्वक। आज वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली के पश्चात आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों बाद दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्यौहार के बीच पड़ने के साथ बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताओं का पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियां और इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से। जानिए आपके शहर में कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब से कब तक रहेगा। दिल्ली में शाम को 4:29 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को 5:42 तक रहेगा। अमृतसर में शाम को 4:19 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और 5:48 तक रहेगा। भोपाल में शाम को 4:49 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और 5:46 तक रहेगा। जयपुर में शाम को 4:31 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और शाम को 5:49 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र में शाम को 4:59 से सूर्य ग्रहण लगेगा, जो 6:09 तक रहेगा। रायपुर, छत्तीसगढ़ में शाम को 4:51 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को 5:31 तक रहेगा। इंदौर, मध्य प्रदेश में शाम को 4:42 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होकर के 5:53 तक इसका प्रभाव रहेगा। उदयपुर, राजस्थान में शाम को 4:35 से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा, जो सायंकाल 6 तक रहेगा। लुधियाना, पंजाब में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सायंकाल 4:22 से प्रारंभ होकर के शाम को 5:44 तक रहेगा। शिमला में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 4:23 से लेकर के शाम को 5:39 तक रहेगा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सायं 4:36 से प्रारंभ होकर के सायंकाल 5:29 तक रहेगा। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सूर्य ग्रहण का प्रभाव 4:52 से प्रारंभ होकर के 5:03 तक रहेगा। चेन्नई में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 5:14 से प्रारंभ होकर के 5:44 तक रहेगा। बेंगलोर में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 5:12 से प्रारंभ होकर के 5:55 तक रहेगा। पटना, बिहार में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 4:42 से प्रारंभ होकर के शाम को 5:23 तक रहेगा। गांधीनगर, गुजरात में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 4:37 से प्रारंभ होकर शाम को 6:05 तक रहेगा। देहरादून में सूर्य ग्रहण का प्रभाव शाम को 4:26 से प्रारंभ होकर के सायंकाल 5:36 तक रहेगा। जानिए भारत में कितने बजे शुरू होगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की तिथि 25 अक्टूबर 2022। सूर्य ग्रहण का समय भारतीय समय के अनुसार शाम को 4:22 से लेकर के सायंकाल 5:42 तक। सूर्य ग्रहण की समय अवधि 1:19 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जानिए भारत में कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण।
वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 25 अक्टूबर को है और इसी दिन आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। देश के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार दीपावली के बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी से देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी भागों में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा। भारत में ग्रहण की शुरुआत शाम के 4 बजे के बाद होगी। जानिए देश में कहाँ कहाँ दिखेगा सूर्य ग्रहण। देश में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख में सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देश के इन हिस्सों में कुछ समय के लिए दिखेगा सूर्य ग्रहण। इसमें दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल में कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। अब जानिए देश के किन हिस्सों में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। देश के पूर्वी भागों में जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जानिए किस राशि पर लगेगा सूर्य ग्रहण। ज्योतिषीय गणना के अनुसार दीपावली के पश्चात अर्थात 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण तुला राशि में लगेगा। जानिए विश्व के किन हिस्सों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। 25 अक्टूबर को वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, फिर 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी एशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर में सूर्य ग्रहण का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जानिए सूर्य ग्रहण और इसका ज्योतिषीय संयोग। इस वर्ष दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का योग और ग्रहों का योग 1300 सालों बाद बना है। ग्रहण के समय 4 ग्रह खुद की राशि में मौजूद रहेंगे, जिसमें बुध, बृहस्पति, शनिश्चर और शुक्र सभी 4 ग्रह अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। शनिश्चर मकर राशि में, बृहस्पति अपनी मीन राशि में, बुध कन्या राशि में और शुक्र तुला राशि में रहेंगे। जानिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से होगा प्रारंभ। भारत में आंशिक रूप से ग्रहण लगने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा। धार्मिक धारणा से सूतक काल को शुभ नहीं माना जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शाम 4 बजे के आसपास प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण पर लगने वाला सूतक ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले ही लग जाता है। यह ग्रहण करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। जानिए सूर्य ग्रहण में क्या करें और क्या न करें। जब भी कोई ग्रहण लगता है उसके पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल को अशुभ माना गया है, इसलिए सूतक लगने पर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ग्रहण में न तो खाना पकाया जाता है और ना ही खाना खाया जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्रों का जप और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति होने पर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। अब जानिए सूर्य ग्रहण के दौरान क्या ना करें। ग्रहण के दौरान कभी भी कोई शुभ कार्य या देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान न ही भोजन पकाना चाहिए और न ही कुछ खाना पीना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और न ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान तुलसी पत्र समेत अन्य पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, अर्थात इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब जानिए ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले
अर्थात सूतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की चीज़ों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। सूर्य ग्रहण पर गर्भवती महिलाएं किन किन बातों का ध्यान रखें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो ग्रहण देखना चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण देखती हैं या फिर घर से बाहर निकलती हैं तो गर्भ में पल रहे नवजात शिशु पर नकारात्मक असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष के नज़रिए से ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर बुरे ग्रह अर्थात राहु केतु का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस कारण से बच्चे की कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित कोई न कोई दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर जाने से बचें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद स्नान अवश्य करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी नुकीली चीज का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने से बचना चाहिए। जानिए ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक लगने पर खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रहण की सभी तरह की नकारात्मक किरणें खाने पीने की चीज़ों पर नहीं पड़ती हैं। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक और दूषित किरणें फैली हुई होती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक मानी गई हैं। आयुर्वेद में तुलसी के पत्तों का बहुत ही महत्व होता है। तुलसी के पत्ते संजीवनी होते हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरिया और आयरन तत्व बहुत होते हैं। इसका सेवन करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान सभी तरह के खाने पीने की चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं। इस कारण से खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं ताकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी ग्रहण लगे तो उस दौरान तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ग्रहण के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए। ग्रहण के अतिरिक्त रविवार और अमावस्या के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के स्वयं के गिरे हुए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। जानिए सूर्य ग्रहण के दौरान सेहत पर प्रभाव। सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों और वनस्पतियों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है। ज्योतिष में सूर्य को प्रकाश और जीवन का कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति कुछ देर के लिए क्षीण हो जाती है, जिसका प्रभाव सभी पर अवश्य पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सेहत पर जानिए किस तरह के प्रभाव होते हैं। थकान और सुस्ती महसूस करना, गर्भवती महिलाओं पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसका प्रभाव आँखों पर भी विशेष होता है। पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव मानसिक रूप से भी दिखाई पड़ता है। जानिए सूर्य ग्रहण कब लगता है। धार्मिक नज़रिए से ग्रहण की घटना को बहुत ही अशुभ माना जाता है। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें
पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, इस घटना को ही सूर्य ग्रहण या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्सों को ढक पाता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी तक पहुंचती तो नहीं, और जब चंद्रमा सूर्य के बीच वाले भाग को ढकता है तो सूर्य एक रिंग की तरह दिखाई देता है, इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। जानिए सूर्य ग्रहण के प्रकार। 25 अक्टूबर 2022 को वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कुल तीन प्रकार के होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपाय। सूर्य ग्रहण के दौरान चारों तरफ दूषित और नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद रहती हैं, ऐसे में इनसे बचने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए सूर्य देव से संबंधित कुछ उपाय किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की आराधना करना सबसे उपयुक्त होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य ग्रहण के दौरान अच्छी सेहत और दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण पर दान और गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जानिए किन राशियों पर पड़ सकता है सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव। वृक, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशि पर सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ेगा। वर्ष का यह आखिरी सूर्य ग्रहण तुला राशि में लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया की स्थितियों के साथ जातकों के जीवन पर भी होता है। इस सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव वृक, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों पर पड़ेगा। इनको सेहत से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, आर्थिक परेशानियों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है, आमदनी कम होगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं और धन हानि और मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो इस सूर्य ग्रहण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सूर्य ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें और घर पर रह कर के ही महामृत्युंजय मंत्र का और सूर्य से संबंधित उपायों को किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।